फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन कि हमने जो वेरियस प्रोविजंस दूसरे देशों से लिए हैं, अब तक हम 7 देशों को देख चुके हैं, यूएसए, यूके जो ब्रिटेन भी बोलते हैं, और कनाडा, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अलग अलग जो प्रोविजंस थे हमने इन देशों से जो लिए हैं वो सारा हम देख चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोज में जाकर देख सकते हो पर्टिकुलर लेसन पे कि यूएसए से हमने क्या लिया है, यूके से क्या लिया है। इस लेसन में हम देखेंगे कि हमने रशिया से क्या लिया है, जो कि पहले यूएसएसआर कहलाया जाता था। ठीक, तो यूएसएसआर से हमने सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, यानी कि हम लोगों के क्या कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति, जो हमें करने चाहिए, वो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यह वाला कंसेप्ट जो है हमने रशिया से लिया है। जब हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, वो लेटर हमारे जोड़ी गई थी आर्टिकल 51A में। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें जब फंडामेंटल ड्यूटीज वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब बताऊंगा कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसको जोड़ा गया और इसके अंदर ये 11 ड्यूटीज हैं, वो सारी चीजें तब समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने रशिया से ली थी। इसके बाद जो दूसरी चीज थी, दो ही चीज ली है, पहली फंडामेंटल ड्यूटीज, दूसरी आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल में जो हम देखते हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जो बड़े बड़े शब्द जो हैं, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज जो है, तो उसमें जो एक शब्द आता है जस्टिस, तो जस्टिस जो प्रीएम्बल में शब्द है वो कहां से लिया है, आइडियल जो है जस्टिस वो हमने लिया है रशिया से। तो जस्टिस, तीन जस्टिस की बात होती है उसमें, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारा ये सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तो वहां देख पाएंगे कि हाँ, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज एंड फॉर दीज पीपल्स। ठीक है, हम लोगों के लिए भी एक कल्चरल एजुकेशनल राइट है। तो हमारा सोशल स्टेट, हमारे सोशल को बचाने के लिए, हमारी जो सोसाइटी है उसको बचाने के लिए वो राइट है। इसके अलावा हमारी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो जो एक सोशल मॉरल सोशल प्रैक्टिस है उसको एबॉलिश करने के लिए है, तो हमको जस्टिस देता है सोशली। ठीक है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, इनके हिसाब से बांटा नहीं जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 जो बोलता है, तो वो हमारे को सोशली प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा इकोनॉमिक राइट क्या है हमारे पास, कि हम अपना देश के अंदर जो हमको चाहे उस इच्छा का हम कोई भी प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में जहां बोलते हैं कि किसी को भी किसी पर्टिकुलर कास्ट, जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से रोका नहीं जाएगा, तो उनको इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा रहा है। ठीक, फिर पॉलिटिकल जस्टिस, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई हानि पहुंचाता है, हमारे राइट्स को कोई पॉलिटिकल पार्टी हानि पहुंचाती है, तो हमारे पास रिट्स हैं, रिट इश्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ये खुद हमारा एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि पहुंचाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो हमारे पास वो जस्टिस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डीपीएसपीज हैं, जो कि हमको पॉलिटिकली पार्टी चेंज हो सकती है, पर वो हम लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम बनाएंगी जो सोशली एम्पावर करेगा हमको। ठीक है, डीपीएसपी को ध्यान में रख के, तो सोशली वहां से हमें जस्टिस मिल जाएगा। और पॉलिटिकली जस्टिस हमें कैसे मिलेगा, जैसे रिट्स इश्यू हो जाएंगे। इसके अलावा हम अपनी गवर्नमेंट को चूज करने के पास अधिकार हमारे पास है। ठीक, तो ये सारी चीजें मिला के हमें जस्टिस जो है वो ये देता है। और जब मैं प्रीएम्बल आपको पढ़ाऊंगा तो और इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, जस्टिस वाले जो टर्म है इसको। ठीक है, तो ये जो दो कंसेप्ट है हमने कहां से लिए हैं, रशिया से लिए हैं। ठीक, अब नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि हमने जर्मनी से जो है वो क्या लिया है,